नीट पेपर विवाद को लेकर कांग्रेस के स्टूडेंट्स विंग NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया। इस कड़ी में NSUI के कार्यकर्ता गुरुवार को NTA दफ्तर में घुस गए। NTA के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही उन्होंने दफ्तर में ताला लगा दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प भी हुई। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। नीट UG परीक्षा में कथित धांधली को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। युवा कांग्रेस का कहना है कि कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। संगठन के अध्यक्ष श्रीनिवास का कहना है कि परीक्षा में धांधली और घोटाला सिर्फ 24 लाख छात्रों के साथ ही धोखा नहीं है, ये देश की मेडिकल व्यवस्था और देश के भविष्य के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें आज धांधली ना हो रही हो। इससे परेशान होकर सोशल मीडिया पर छात्रों ने सरकार को एक बार फिर लीकेज सरकार लिखना शुरू कर दिया है। नीट परीक्षा फिर से कराई जाए, नीट पेपर को लेकर NSUI ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट भी किया था। उसमें कहा था, BJP की लीकेज सरकार 3.0 में भी छात्र छात्राओं के भविष्य को शिक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपकर बर्बाद किया जा रहा है। नीट अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए NSUI लड़ाई लड़ती रहेगी। हमारी मांग है कि नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही NTA जैसी भ्रष्टाचारी बैन संस्था को बंद कर दिया जाए। इस मामले को लेकर बुधवार को JNU छात्र संघ ने भी प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान एक दर्जन से ज्यादा विद्यार्थियों को हिरासत में ले लिया गया। पेपर में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विद्यार्थी NTA को खत्म करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन में ISA और DU के क्रांतिकारी युवा संगठन सहित अन्य संगठनों ने भी हिस्सा लिया था। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने हाथों में पोस्टर थे, इन पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और NTA खत्म करो जैसे नारे लिखे थे। विद्यार्थियों ने नीट स्नातक को फिर से कराने और परीक्षाओं के केंद्रीकरण को खत्म करने की भी मांग की। इस मामले को लेकर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ये छात्र रात भर विरोध प्रदर्शन जारी रखने की योजना बना रहे थे, इसलिए हिरासत में लिया गया है। शाम 5 बजे के बाद जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है।